प्रणाम, हाय, खुशामदीन। वेलकम टू सत्या भैरवी चैनल। आप देख रहे हैं सत्या भैरवी चैनल और मैं हूं आपका दोस्त सत्या। या दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले एक नए पिक्चर के ट्रेलर के बारे में जो हाल ही में रिलीज हुई है, वह जवानी जाने मन। या दोस्तों, जैसे ये पिक्चर रिलीज होने वाली है 31 जनवरी, इस महीने के आखिरी में 2020 जनवरी 2031। जैसलीर पूजा एंटरटेनमेंट बैनर में ये पिक्चर रिलीज होने वाली है। जैसलीर पिक्चर का स्टोरी इस तरह होता है कि एक प्ले बॉय होता है, एक बंदा जो पूरी जिंदगी ऐशो आराम से जिंदगी जीना चाहता है और घर में उसके माँ बाप उसकी शादी कराना चाहते हैं ताकि उनका बेटा जिम्मेदार हो जाए और अपना परिवार संभाले और अपनी जिंदगी जिए सही सलामत। पर यह बंदा ऐसा होता है जो है सैफ अली खान, जो एक प्ले बॉय की तरह रोल करते हैं और पूरी रात पूरे दिन ऐशो आराम ही करते हैं, इस तरह करते रहते हैं। और अचानक जब उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड से मिलते हैं तो उस वक्त एक लड़की आती है और उन्हें रोकती है और उनसे कहती है, वो है उनके पापा, वो है आलिया, जो इस पिक्चर में नया डेब्यू कर रहे हैं। इस पिक्चर में उनमें सैफ अली खान की एक बेटी की रोल कर रहे हैं। बाद में उन्हें पता चलता है और उन्हें विश्वास नहीं होता है कि उनकी कोई बेटी है, तो जाके मेडिकली प्रूव करना चाहते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर वहां के उन्हें प्रूव करते हैं, जी हाँ, ये उनकी बेटी है और 21 साल की बेटी है। तो उन्हें विश्वास नहीं होता है, फिर बाद में आखिरकार विश्वास करते ही है कि उनकी बेटी है। फिर उसके बाद अपने घर में जाके बताते हैं, घर में थोड़ा प्रॉब्लम होता ही है जब ऐसे बंदा जब इस तरह काम करता है। तो फिर बाद में इसमें एंट्री होती है फिर तब्बू जी की, जो इसमें काफी दिनों के बाद पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। तब्बू एक्ट्रेस इस पिक्चर में सैफ अली की वाइफ, जो बिना शादी किए उनकी वाइफ होती है और उनकी बेटी होती है जो है आलिया, और उन्हें समझाने में काफी मुश्किल होता है। फिर आखिरकार विश्वास करते ही और मानते हैं। सैफ अली खान आखिरी में एक बाप के रोल भी निभाते हैं, अपनी गलती कबूल करते हैं और आगे ही सोचते हैं। इस तरह पिक्चर में दिखाया गया है। पिक्चर काफी अच्छा है और इसमें डायरेक्टर नितिन खाकर, जो डायरेक्टर ने काफी अच्छा प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है कि एक शुरुआत में एक प्ले बॉय की तरह, फिर एक बाप की तरह, फिर एक जिम्मेदार इंसान की तरह, इस तरह दिखाया गया इस ट्रेलर में। देखते हैं जब ये पिक्चर रिलीज होगा 31 जनवरी 2020 में, पता चलेगा स्टोरी है क्या और क्या कहना चाहते हैं डायरेक्टर। बाकी ट्रेलर तो काफी अच्छा है, थोड़ा एंटरटेनमेंट है, काफी अच्छा है। देखते हैं जब ये पिक्चर जब रिलीज होगा इस महीने के आखिरी में, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल सत्या भैरवी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अपडेटेड हर एक वीडियो में अपलोड करता रहूंगा तो आपको कवर होता रहेगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।